यहाँ जा भी जाना स्कूटी को कर रही है हेलो बाइक को, तो इस तरह से ये ऐप के थ्रू करेगी कैन और ये ओपन हो जाएगी। फिर मेरी मेहंदी भी दिखाओ रमजान की मेहंदी, जैसे ग्रीन लाइट ऑन होगी। हेलो तो जो सब्जियों का वाला थैला नहीं होता पाकिस्तान में, हमने वैसे थैला ले लिया और अभी हम जाएंगे। ग्रॉसरी तो यार फैमिली के साथ होती है ज़्यादातर, ठीक है ना, रमज़ान की जो ग्रॉसरीज होती है। हाँ तो अभी फिर हम जा रहे हैं चिकन वगैरह लेने। हाजा ने चिकन नहीं लिया, मैं कल चिकन लेकर आ गई थी, तो हाजा ने बस चिकन लेना है और देखते हैं इसने क्या लेना, क्योंकि कल मेरा रोज़ा है। आज 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 ठीक है यार, बस अब फिर मिलते हैं आपसे मार्केट में। ये हमारा स्कूल ऑफ इंटरनेशनल का ऑफिस है ये वाला, और यहाँ पे सारे फैमिली अपार्टमेंट्स हैं, मतलब जो फैमिलीज आती हैं, जैसे जो शादीशुदा लड़के लड़की आते हैं, क्योंकि हम अपने फैमिली वीज़ा के ऊपर यहाँ पे अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं ना। सर मुझे जो है ना यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की सड़कें, यहाँ का माहौल इतना अच्छा लगता है, मतलब ग्रीनरी तो वैसे मेरी कमजोरी है कि जो जगह ग्रीनरी में होगी और इस तरह पूरा नेचर के करीब होगी, मुझे इस वजह से ये वहाँ और ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी तो वैसे ही इतनी खूबसूरत है और ग्रीन ग्रीन है। हाँ जब बेसिकली मेरे रूम पे आई थी, मैंने अपने रूम की थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, क्योंकि मैंने लिया है फ्रिज, क्योंकि अभी आ रही है रमज़ान, मेरे पास फ्रिज नहीं था और हमारी डॉर्मेट्री में भी। दूर दूर से विजिटर्स आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए ना, क्योंकि ये फेमस है बहुत ज़्यादा, वुहान का चेरी ब्लॉसम बहुत फेमस है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अभी ये हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी से प्रॉपर बाहर, अब इस वाले बाजार में हम सीधा जाएंगे, ये जाता है हमारा चिकन मार्केट की तरफ। साथ ही यूनिवर्सिटी के साथ ही बड़े अच्छे अच्छे मॉल्स हैं, ये यहाँ की सारी मार्केट है, यहाँ पे सब्जियाँ गोश्त सब कुछ मिलता है। तो अभी हम यहाँ से दिखाएंगे बताएंगे कि हम यहाँ पे सब्जी लेते कैसे हैं। हालांकि चिकन की दुकान खुली, हाँ खुली हुई है, पहले इधर से चिकन ले लेना। ये सारी सब्जी की दुकान है, मार्केट है, ये चिकन की चिकन लोगों ने ये तो बता दिया कि हमें दो चाहिए, लेकिन हमें किलो में बोलना नहीं आ रहा। ये कौन सा श्रिम्प? श्रिम्प है। ये खाया मैंने, बाहर खा के मेरी इधर बाद में फीलिंग जो आ रही। चिकन हमें मिला है 16.8 यून का एक किलो लियांगा, और एक वो दो अलग अलग दे रहा है ना, और एक किलो के अंदर जो है ना कम से कम 3 पीस तुल जाते हैं फ्रोजन चिकन के। 32-15 रुपए किलो है, 32.3 के हमें 2 किलो मिले हैं। अभी ख़त्म नहीं होते जल्दी हमारे, मैं आज जब भी हम लोग चिकन लेते हैं ना, हमारा चिकन जल्दी जो है ना वो ख़त्म नहीं होता, तो बस इतना इनफ तो हमने चिकन अब ले लिया है। कल मैं लेके चली गई थी, आज हाजरा जो है ना वो ले गई। सारी सब्जियाँ हैं, बहुत सी सब्जियाँ तो हमें पता भी नहीं यहाँ पर कौन सी हैं। यार ये पालक है, ये पालक इसमें कौन सी है? पालक, ये पालक है ना? ना ये हमारे उधर होता है हमजा में जो मैं ये मैं कल लेकर चली गई हूँ पालक, ये समझ के बहुत अच्छे होते हैं, ये मैं कल लेकर चली गई हूँ, ये बल्कि आई है, ये बहुत अच्छी आई है, ये हमें डिस्काउंट भी बहुत देती है। और ये हमारे हमजा के फेवरेट है, कोई ये मेरे से भी ले लेना, ये हाजा कुछ ले रही है, हाजा कह रही है हमारे हमजा में ना बनते हैं ये, और बल्कि आलू आलू नहीं है, आलू ये आलू पड़े होते हैं छोटे वाले नहीं है। ये मटर है, मतलब आप ये समझते हो समझ सकते हो कि यार ये यहाँ की ना सब्जी मंडी है, खुली वाली सब्जी मंडी है, गोश्त वाली सब्जी वाली सारे तरह की यहाँ पे हलाल और जो हलाल नहीं होते वो भी सारे के सारे मिल जाते हैं। तो अभी बस यहाँ पे हम चिकन वगैरह ले गए तो फिर वापस जाएंगे डॉर्मेट्री पे। ये है पालक, इसके पास मिल गई है पालक अल्लाह लगा के, ये मिली है मुझे इतनी पालक 2 यौन की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके पैसे कन्वर्ट नहीं करती, तो मुझे 2 रुपए की पालक मिल गई है,
और मैंने जैसे बोला इनको कि मुझे पालक चाहिए, उन्होंने पूरी मंडी पे आवाज़ लगा दी कि जो भी चाइनीज इसका नाम है कि ये है किसी के पास, तो जिसके पास थी उन्होंने कहा कि हाँ हाँ है ये, तो उन्होंने फिर जो है ना वो बताया कि ये चाहिए। अब ये मुझे मिल गई है और अब बस हम जाएंगे, खाजा का सामान बस अभी हो जाए फिर हम चलते हैं। अभी सामान हमने उठा लिया है और अभी हम दोनों ये पकड़ के लेके जा रहे हैं। ज़्यादा थक गए हैं, अभी ये रखा है नीचे थोड़ा सा रह गया। यूनिवर्सिटी के साथ ही ये हमारा मॉल है, यूनिवर्सिटी के साथ ही है ये ना, यहाँ पे बड़ी अच्छी सिटिंग प्लेसेस भी बनी हुई हैं। तो यूनिवर्सिटी जाएंगे और जाके एक और सामान लेना है एक और गेट से, जिस गेट से हम आए हैं उससे बिल्कुल एक अपोजिट एक गेट है, वहाँ से हमने सामान लेना। हम लोग फेरी वालों की तरह ना ये पहन लिए, एक मैंने अपने शोल्डर पर पहन लिया, हाजरा ने एक अपने शोल्डर पर पहन लिया, ये आसान हो गया, ज़्यादा आसान हो गया थैले उठाना। 2 किलो चिकन ये हम सब देख रहे हैं। आए हैं अप मार्केट, नाम इसका अप मार्केट है लेकिन ये है डाउन जाके। तो यहाँ पे हमें शायद बेसन मिल जाए, लिया है ताकि कुछ सामान वगैरह स्टोर करना हो तो इसमें मैं सामान स्टोर कर सकती हूँ। आज ना इधर फिर रही है, हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं ग्राम स्टोर लेकिन हमें यहाँ पे अभी मिल नहीं रहा है। और这个呢能有吗？好的。对。jelly。और कुछ? बस हो गया। कॉफी वगैरह लेनी है? नहीं है मेरे पास, आप देखें। कॉफी योमा। कॉफी। यस। ऑलमोस्ट रमजान के लिए जो थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग करनी थी हमारी हो गई है। रह तो नहीं गया ना? वो दूध रहता है वो ऑनलाइन मंगाएंगे। हाँ दूध वो ऑनलाइन बना लेगी मंगाएगी, और बाकी अभी हमें यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर नहीं मिला है, बेसन नहीं मिला है, वो भी हमें ऑनलाइन ही मंगवाना होगा किसी पाकिस्तानी स्टोर से, यहाँ पर तो अभी नहीं मिला है। वगैरह की हुई है, इसके साथ एक ये बर्तन लगाया हुआ है, उसके साथ ये बॉटल लगाई हुई है पेप्सी के साथ, और ये भी बास्केट्स लगाई हुई हैं, पेप्सी की बॉटल्स लगाई हुई हैं। ये दो अगर आप लेते हैं तो ये आपको साथ में बिल्कुल मुफ्त मिलता है, और इसकी 4.90 है प्राइस। इंकशाफ कर रही है मुझे। क्या बोलते हैं हाजा चाइनीज में बादाम को? बादाम बादाम बादाम। कॉफी को क्या बोलते हैं? काफे काफे काफे। सामान ले लिया, अब जा रहे हैं हम वापस, और जाके बस इसका भी तो देखते हैं सामान कैसे एडजस्ट करेंगे ना। अभी तो आधा सामान हाजा का यूनिवर्सिटी के गेट पे भी तो छोड़ के आए हैं, वो भी लेना है, 2 बाइक्स लेनी है। पहले मुझे लगता है हमें बाइक्स लेकर आनी चाहिए, बाइक्स ला कर हाँ बस लेंगे तो बस तो हमें बाहर तक छोड़ देगी ना। नहीं नहीं बस हमें बस तो हमें बाहर तक छोड़ देगी, हम अंदर तक कैसे जाएंगे इतने सामान के साथ, समझ रही हो क्या कह रही हूँ? अगर हम यूनिवर्सिटी की बस लेते हैं तो बस तो हमें बाहर तक छोड़ देगी, हमने तो मैपल हम तो मैपल गार्डन, हमने तो हॉस्टल के बाहर तक जाना है। हाँ। तुम्हारा बहुत सारा सामान तो फिर बेशक आधा मैं रखती हूँ अपने साथ, आधी मैं अपनी बाइक पे रखती हूँ, आधी तुम अपनी बाइक पे रखना ना। हाँ। फिर हम लेके चले जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी के बाहर है बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के सामने ही मार्केट थी, आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा गेट, तामन गेट भी बहुत फेमस गेट है हमारा, तो यहाँ से अब हम लोग इंटर करेंगे और फिर हम अपनी बाइक्स लेंगे जाके। अभी एक बाइक पे मैंने ऐसे सामान सारा एडजस्ट किया है, और एक बाइक पे वो भी हाजरा बाइक लेने गई है, वो आती है फिर हम रूम जाएंगे। बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया, पाँव रखने को जगह नहीं है तो मैंने पाँव इसके यहाँ पैडल पे रखे, इस पैडल पे रहेगा। हमसे काम करने निकलो ना तो रात पड़ जाती है, और अभी पता है इतनी सर्दी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। जाने को तो हम बस पे भी चले जाते हैं लेकिन बस पे जाना ये था कि बस हमें मेन पे उतारती, और हमारे पास सामान इतना ज़्यादा था कि अगर हम फिर अंदर कैसे जाते, मतलब दिखाऊंगी मैं आपको आगे हॉस्टल एरिया में। ओ मेरे मौला 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 हो मेरे मौला मौला। अभी ये देखें सामान ये रखा हुआ है, हाजरा भी पीछे है, ये आ गई हाजरा भी।
हाँ कर लिया है जस्ट, पाँव मैंने पीछे रख लिया ना पैडल पे इसलिए। तो ये अभी हम आ गए हैं हमारी हॉस्टल के एंट्रेंस पे। सामान हमने पहले यहाँ, अगर हम लोग बस पे आते ना, वो ये जो आप स्ट्रीट देख रहे हो जहाँ पे ये एंड हो रही है ना, वो हमें वहाँ मेन पे उतारती, वहाँ मेन पे, और वहाँ से यहाँ तक ये सामान उठाना टेरिबली मुश्किल था, ये नहीं उठ सकता था। अभी हमारी एंट्रेंस है, अभी हम अंदर जाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे। मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो है यार, तो फिर मिलते हैं बस अभी। हमारा ये सब कुछ किया, इसके अलावा मैंने आज के दिन में क्या नहीं किया, मेरी आज फ्रिज आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये हमारी रमज़ान अल मुबारक की जो आगाज़ है वो कुछ ऐसा ही हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे, और आप सब की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज चाइना में है मेरी पहली सहरी, और आज है 23 मार्च 2023। तो मैंने सहरी में लिए हैं एग वाइट ली है, और मैंने ये लिए हैं ओट्स विद मिल्क, और जो मैंने ओट्स के अंदर मिल्क डाला था वो थोड़ा सा जो बच गया था वो मिल्क मैं ऐसे रॉ पी लूँगी। चाइना आने से पहले मुझे इतना शौक़ तो नहीं था मिल्क वगैरह पीने का, हालांकि दुबई में भी फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह मिलते थे, लेकिन मैं वहाँ पर भी इतनी शौक से दूध नहीं पीती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रीमी होते थे। मगर चाइना के अंदर जो दूध मिलते हैं वो उतने क्रीमी नहीं होते, और बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इनके जो जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत हेल्थ ओरिएंटेड होती हैं। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे दूध वगैरह पीने में कोई ऐसा मसला नहीं होता है, बल्कि मेरी एक हैबिट डेवलप होना शुरू हो गई है चाइना में आके, जो कि मुझे लगा नहीं था कि कहीं भी जाके मेरी ये हैबिट डेवलप हो सकती है कि मैं कहीं जाके दूध पीऊँ। हाँ, तो पहला रमज़ान है, घर से दूर है, घर वालों से दूर है, मुश्किल तो ऑब्वियसली होती है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आप अकेले सहरी कर रहे हो और सारा कुछ है, आज बड़ी डिफरेंट सी एक वाइब थी, लेकिन चलें ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, और ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा जो होता है वो मुसलसल नहीं रहता है, तो जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, है ना। तो इसलिए अभी मैं कर रही हूँ सहरी। आप सब लोगों को रमज़ान बहुत 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 मुबारक हो, और आप लोग बहुत बहुत खुश रहिए, अपनों में रहिए और बहुत ज़्यादा खुश रहिए। तो अब जो है ना सहरी करते हैं। तो अगर आप लोग वो उन लोगों में से हैं जो कि मुझे पिछले रमज़ान में फॉलो करते आए हैं, तो वो ये बात जानते होंगे कि मैं पिछले रमज़ान में मैंने ऑलमोस्ट सारे दिन के व्लॉग बनाए थे, मतलब पूरा रमज़ान ही ऑलमोस्ट मैंने व्लॉगिंग की थी। सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है इस मरतबा, मैं नहीं जानती कि मैं कितना परसुएट कर सकती हूँ इस मरतबा व्लॉगिंग को द होल मंथ, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा या डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि घर के अंदर आप होते हो तो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, 10 एक्टिविटीज़ होती हैं, और हॉस्टल लाइफ में आपकी बहुत लिमिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, आई थिंक सो, कि आपको पढ़ना है और थोड़ा सा मतलब आउटिंग के लिए बाहर निकल जाना है, मतलब आपके हिसाब से आपकी रूटीन सेट हो जाती है। तो मैं अब नहीं जानती कि मैं कितना इस चीज़ को परसुएट कर सकती हूँ या कितना नहीं कर सकती, भाई मैं कोई प्रॉमिस नहीं करती, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिकॉर्ड माई व्लॉग। मैं ये नहीं कहती भाई, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही कि मैं 30 के 30 व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। अब नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद मैंने सो जाना है, तो मिलते हैं अब आपसे सुबह।